गुड आफ्टरनून बच्चों, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके 8 लेक्चर हो गए थे और आज हम लोग का ये 9वां लेक्चर है। तो यहाँ पर हमने देखिए कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये हमने 8वें लेक्चर में आप लोगों को दिया था और कहा था बच्चों इसका आपको IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग ने किया होगा और इसे हम फिर से सारे रूल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं, एक एक रूल के साथ, और हम लोग इसका IUPAC लिखते हैं। इससे हमारे रूल का भी रिवीजन हो जाएगा और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या हमने बताया था कि कोई भी अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, उपसा संयोजन यौगिक लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में एक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये एक पार्ट होता है। इसके लेफ्ट या राइट में भी कुछ मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है, रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इस कंपाउंड में लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है और ये जो है हमारा कंपाउंड, ठीक है, कैसा है, आयनिक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट की चीज, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसमें एक होता है सेंट्रल एटम, ये होता है सेंट्रल एटम या इसको हम सेंट्रल आयन भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है लिगेंड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, लिगेंड। और हमने ये बताया था आपको कि देखिए लिगेंड अंदर होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि एक ही लिगेंड हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक जो हमने किया उसमें एक लिगेंड थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे दो लिगेंड है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों 3 लिगेंड भी हो सकते हैं, 4 लिगेंड भी हो सकते हैं, जितना मन उतने लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसकी बात आगे करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर एक लिगेंड है। और हमने बताया था क्या बच्चों कि IUPAC नोमेनक्लेचर में जब स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का हम नाम लिखते हैं तो पहले किसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो चलिए बच्चों लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, तो भाई लिगेंड क्या है, आइडो है। लेकिन बच्चों हमने एक बात और बताई थी आपको, वो क्या थी कि इस लिगेंड के नाम के पहले हमें उसकी संख्या को बताना है, ठीक है, और संख्या कितनी है, 4। तो क्या यहाँ 4 लिख देंगे बच्चों, नहीं 4 नहीं लिखना है। हमने बताया था कि 4 के लिए हमें क्या वर्ड लेना है, तो 4 के लिए हमें टेट्रा वर्ड लेना है। कौन सा वर्ड लेना है, टेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेट्रा आइडो, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं एक साथ, टेट्रा आइडो, ठीक है बच्चों। ये टेट्रा आइडो हो गया, ये लिगेंड का नाम हो गया। अब कोई दूसरा लिगेंड नहीं है तो बचा कौन, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है इसका नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये क्या, HG यानी कि मरकरी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मरकरी, सही है, नहीं देखिए बच्चों मरकरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको एक बात और बताई थी, उस बात पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो उन बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। वो बात क्या थी, हमने बताया था कि आपके जो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ठीक है, ये जो है आपका, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, यह 3 तरह का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कैसा हो सकता है, 3 तरह का। ये एनायनिक भी हो सकता है, केटायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। आपको हमने बताया था, यानी कि निगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं तो ये कैसा है, निगेटिव है, यानी कि यह कैसा है, एनायनिक है बच्चों, ठीक है। तो ये एनायनिक है, तो हमने एक कंडीशन बताई थी कि जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वह कैसा हो, एनायनिक हो, तो इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल एटम या आयन जो भी है वो, उसके नाम में हम लोग 8 वर्ड जोड़ देते हैं। कौन सा वर्ड जोड़ देते हैं बच्चों, 8 वर्ड। तो यहाँ पर हम लोग मरकरी ना लिख के मर्क्यूरेट लिखेंगे, ठीक है बच्चों,
तो ये हो जाएगा मर्क्यूरेट, टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस मरकरी का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, क्या ये आवेश जो है इसी को लिख दे ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, एच जी को एक्स मानेंगे, ठीक है, फिर हमने प्लस किया, और उसके बाद जो लिगेंड है उसका आवेश देखें, तो लिगेंड हमारा आई है, इसके ऊपर माइनस का वन आवेश होता है, और इसको हमने गुणा कर दिया किसके साथ, इसकी संख्या के साथ, और इसकी संख्या कितनी है बच्चों, चार। तो चार के साथ गुणा कर दिया हमने और बराबर कर दिया, और बराबर में हम लोग क्या लिखते थे, इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले के ऊपर जो भी आवेश होता है वो लिखते थे हम लोग। तो इसके ऊपर आवेश कितना है, माइनस का दो, तो माइनस का दो, प्लस का दो था तो प्लस का दो लिखते हैं, यानी कि हमें उसके चिन्ह के साथ लिखना है, उसके नेचर के साथ लिखना है। माइनस का दो लिख दिया हमने, अब यहाँ से करेंगे तो x माइनस का फोर बराबर माइनस का टू, x माइनस का फोर जो है जब उधर जाएगा तो ये प्लस का फोर बन जाएगा और x बराबर आ जाएगा प्लस का टू। तो इस तरह से बच्चों क्या आ गया, एच जी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, यानी कि ये x जो है एच जी का ऑक्सीडेशन स्टेट था और ये कितना आया प्लस का टू। तो इसे हमें क्या करना है बच्चों, इसे हमें रोमन अंक में लिखना है, तो रोमन अंक में लिख दिया हमने। और दूसरी बात क्या है कि क्या इसको अब छोड़ देंगे, नहीं, ये क्या है, कैसा है ये हमें बताना होगा। ये आयनिक है क्योंकि इसके ऊपर आवेश है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आयन वर्ड लगाएंगे, और इस तरह से ये इसका नाम कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अगर नाम लिखा होगा पिछली क्लास के क्वेश्चन को लेकर के, तो आशा करते हैं कि आपका नाम सही हो, ठीक है। अगर कोई कमी रह गई या कुछ गलत है तो देख लीजिए कि आपने गलती कहाँ की, वो आपका मिस्टेक था या आपको कुछ बात समझ में नहीं आई थी, ठीक है। और आशा करते हैं अगर कुछ बात समझ में नहीं आई होगी तो समझ में आ रही होगी अगर आप इस पूरे नोमेनक्लेचर को देखते हैं तब, ठीक है। तो देखते चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल लिगेंड वाला था तो हमने लिख दिया नाम। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले वही बात वही काम देखना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण हम इसको कहते हैं उपसर्ग संयोजन यौगिक। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ना हो तो वो उपसर्ग संयोजन यौगिक नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं और इसीलिए इसके साथ ही यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। तो इसके लेफ्ट और राइट में चेक कर लेंगे कुछ है या नहीं, तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों। तो चलते हैं आगे, अगर नहीं है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का नाम लिखना है, ठीक है। और हमने बताया था बच्चों देखते क्यों है, देखने का कारण ये है कि हमको ये पता चल जाए कि कौन केटायन और कौन एनायन, क्योंकि सबसे पहले हमें नोमेनक्लेचर में नाम लिखना होता है केटायन का, उसके बाद लिखना होता है एनायन का। तो चलिए यहाँ पे ना ये केटायन ना ये एनायन है, तो कैसा है बच्चों, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, कोई बात नहीं, नाम तो लिखने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले के लिए रूल है नाम लिखने के लिए वही हम फॉलो करेंगे, और रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, तो हमने लिगेंड का नाम लिख लिया। तो भाई अब लिगेंड का नाम लिखना है और लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि टोटल कितने तरह के लिगेंड है, यानी कि टोटल कितने लिगेंड है, नहीं कितने तरह के लिगेंड है, तो दो तरह के लिगेंड है, एक है एमीन, ठीक है बच्चों, एक लिगेंड कौन सा है एमीन, और दूसरा लिगेंड कौन सा बच्चों, नाइट्रो, ठीक है नाइट्रो। तो ये दो तरह के लिगेंड है, एक एमीन और एक नाइट्रो। तो बच्चे हमें ये ध्यान रखना है कि अब कौन से लिगेंड को हम पहले लिखें, क्या दोनों में से किसी लिगेंड को हम पहले लिख दें, क्या दोनों में से किसी लिगेंड को हम पहले लिख दें, क्योंकि लिखना है नाम ही तो लिखना है, लिख देंगे क्या फर्क पड़ता है, नहीं बच्चों, ठीक है। अगर आप दोनों में से किसी का भी नाम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमें एक रूल और फॉलो करना पड़ता है, वह रूल है अल्फाबेटिकली हमें लिगेंड को अरेंज करना है, ठीक है बच्चों, हमें कैसे लिगेंड को अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम लोग अल्फाबेटिकली हम अरेंज करेंगे, तो पहले भाई लिगेंड कौन सा, तो अल्फाबेट के अनुसार ए या एन,
तो बच्चों आप क्लियरली जानते हो अल्फाबेट के अनुसार पहले ए आता है, तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे और इसकी संख्या कितनी बच्चों, तीन, तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन। तो हमने लिख दिया ट्राई एमीन, ठीक है। और उसके बाद सॉरी बच्चों थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया बच्चों, ट्राई एमीन हो गया, ठीक है। तो ट्राई एमीन, क्योंकि पहले एमीन का नाम लिखा था ट्राई एमीन। देखिए इसकी संख्या वाले नाम से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसकी संख्या यानी कि जो ट्राई वर्ड आया टी आया, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें इस लिगेंड के नाम से मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब होगा हमारा नाइट्रो, उसकी संख्या के लिए कितनी है, तीन है, तो उसके लिए भी तीन के लिए ट्राई वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चार के लिए टेट्रा, तीन के लिए ट्राई, तो ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो, ठीक है, ट्राई नाइट्रो। और उसके बाद फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो के बाद अब हमें सेंट्रल आइटम का नाम लिखना है। सेंट्रल आइटम क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या यहाँ पे हम कोबाल्टेट कर देंगे, क्या हम यहाँ पे कोबाल्टेट कर दें, बताइए। नहीं बच्चों, कोबाल्टेट यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जब एनायन होगा तब हमें एट वर्ड लगाना है और बाकी के लिए हमें कोई मतलब नहीं। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कैसा है बच्चों, न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो जब ये न्यूट्रल है तो इसके नाम में एट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कोबाल्ट ही रहेगा। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, फिर से देखिए कोबाल्ट के लिए क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, किसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट के लिए एक्स माने, फिर प्लस किए। उसके बाद जो है एनएस थ्री जो है, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे ना एनएस थ्री, तो ये एनएस थ्री जो है इसका आवेश कितना होता है, तो बच्चों ने बताया था कि ये एमीन है, और एमीन कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके लिए आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। और फिर हम गुना कर देंगे इसकी संख्या से, तीन से, और फिर प्लस अब हमें क्या लिखना है, एनओ टू, तो एनओ टू कैसा लिगेंड है, तो एनओ टू निगेटिव लिगेंड है बच्चों, यानी कि इसके ऊपर आवेश कितना होता है, माइनस का वन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में किसी लेक्चर में हमने आपको पूरे लिगेंड के, यानी लिगेंड जब पढ़ाया था तो लिगेंड की लिस्ट लिखवा दी थी और उसके आवेश के बारे में भी बताया था, तो आपको आवेश याद रखना होगा बच्चों। तो इसका होता है माइनस का वन, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, तो थ्री के साथ, और फिर बराबर, बराबर में हमें इसके ऊपर का आवेश लिखा होता है, तो देखिए इसके ऊपर आवेश दो था, तो हमने लिखा था दो माइनस का था, तो माइनस लगाया था। इसके ऊपर आवेश कितना है, कोई आवेश नहीं है, मतलब आवेश इसका जीरो है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा बच्चों घात की तरह कि कुछ नहीं है तो इसका मतलब घात एक है, तो प्लस का एक लिख दिए, ऐसा मत करना बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं कि भाई कुछ नहीं है मतलब प्लस का एक है, तो ऐसा नहीं बच्चों, इसके ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि आवेश की बात हो रही है, आवेश में अगर नहीं दिख रहा है कुछ भी तो मतलब वो उदासीन है, मतलब उसका आवेश जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो एक्स प्लस जीरो माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर प्लस का थ्री। तो इस तरह से देखिए बच्चों प्लस का थ्री आ गया, इसे हमें किस में लिखना है, रोमन में लिखना है, तो यहाँ पर हम रोमन में लिख देंगे थ्री डी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने आयन वर्ड इसलिए लगाया था बच्चों कि इसके ऊपर आयन था, ये आवेश था, ठीक है। लेकिन ये क्या है बच्चों, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, तो इसलिए यहाँ पर हम आयन नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से दूसरा वाला कंप्लीट हो गया, तीसरे वाले को देखते हैं। तो चलिए तीसरा वाला देखिए क्या है, देखिएगा तीसरे वाले में फिर देखिए यहाँ पे ना लेफ्ट लेफ्ट में ना राइट में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, तो हमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाले का नाम लिखना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले का जब नाम लिखना है तो वही रूल फॉलो होगा, सबसे पहले लिगेंड का नाम। और यहाँ भी कितने तरह के लिगेंड है, दो तरह के लिगेंड है बच्चों, एक क्या है, एक है एमीन, और दूसरा लिगेंड कौन सा है बच्चों, दूसरा लिगेंड है क्लोरो, यानी कि लिगेंड के रूप में हमने बताया था सीएल का नाम क्या होता है, क्लोरो, और यही जब सीएल बाहर रहता है तो ये क्या बन जाता है, क्लोराइड। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये लिगेंड है तो क्लोरो, बाहर है तो वो लिगेंड नहीं होता, तो वो उसका नाम क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब ये क्लोरो है, तो इसमें बताइए पहले ए की पहले सी, तो बच्चों आप सब जानते हैं पहले एमीन होगा, तो एमीन की संख्या कितनी है, दो, तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन,
है ना बच्चों। तो ये हो गया डाइएमीन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोरो का नाम लिखना है। क्लोरो की संख्या भी कितनी, दो, तो डाइक्लोरो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो है हमें अब जो बचा सेंट्रल एटम आयन जो भी है उसका नाम लिखेंगे पीटी का। तो पीटी क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को प्लेटिनेट कर दें क्या बच्चों, ठीक है? नहीं बच्चों, प्लेटिनेट मत करना गलती से भी, क्योंकि प्लेटिनम यहाँ पर प्लेटिनम ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एनायनिक होगा तब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, एट जोड़ेंगे। अगर ये न्यूट्रल या केटायनिक है तो हम इसमें एट वर्ड नहीं जोड़ेंगे। और अभी आप बता सकते हो बच्चों ये कैसा है, तो देखिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो क्या एट जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। तो पीटी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे प्लस, ठीक है। NH3 के लिए बताए थे कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, तो जीरो और फिर गुने दो फिर प्लस। Cl कैसा लिगेंड है, माइनस का एक गुने दो बराबर। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कैसा है, उदासीन तो आवेश जीरो, ठीक है, उदासीन तो आवेश जीरो। तो x माइनस टू बराबर जीरो, तो x बराबर टू किसका, प्लस का, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऐसे रोमन में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड तो कंप्लीट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ में देखिए बच्चों, इसमें आप क्या है एक नई चीज देख रहे होंगे, वो नई चीज क्या है, EN। कि सर आपने EN की बात कहीं नहीं की है, यानी कि अगर आप हमारा लेक्चर शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको लिगेंड में I भी दिखा होगा, NH3 भी दिखा होगा, NO2 भी दिखा होगा, ठीक है, Cl भी दिखा होगा, लेकिन आपको ये EN नहीं दिखा होगा लिस्ट में, ठीक है बच्चों। लेकिन हम कह रहे हैं आपके लिस्ट में है EN, लेकिन हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, हमने उसका पूरा नाम लिखा है बच्चों। तो देखिए जानते हैं कि ये EN कौन सा लिगेंड है। तो बच्चों आपके लिस्ट में एक लिगेंड होगा इथाइलीन डाइएमीन। कौन सा लिगेंड होगा बच्चों, इथाइलीन डाइएमीन होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इथाइलीन डाइएमीन नाम का एक लिगेंड आपके लिस्ट में लिखा हुआ है, वही है ये। तो चलिए अब नाम लिखना शुरू करते हैं। तो टोटल देखिए, अब देखिए इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट भी है और इसके राइट साइड में भी कुछ है जो भी है, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन, SO4 भी हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि लेफ्ट और राइट में कुछ है या नहीं। तो लेफ्ट और राइट में देख लिया हमने है, तो इसको पहले हम दो पार्ट में बांट लेंगे और देखेंगे कि हमने जो बांटा है उसमें कौन क्या है। तो इधर वाला पार्ट हो गया केटायन और इधर वाला पार्ट हो गया एनायन, ठीक है बच्चों। हमने बताया था आपको कि लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, केटायन, और राइट साइड जो होता है वो बच्चों क्या होता है, एनायन। क्लियर है बात। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना होता है, सबसे पहले हमें केटायन का नाम लिखना होता है। तो चलिए केटायन का नाम देखते हैं। तो यहाँ पे केटायन तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का जब भी नाम लिखते हैं तो रूल्स फॉलो करते हैं। तो रूल्स फॉलो करते हुए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले भाई हम अपने लिगेंड का नाम लिखेंगे और वो भी उसकी संख्या के साथ। और इसकी संख्या कितनी दिखाई दे रही है, तीन। तो तीन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तीन के लिए हो जाएगा ट्राई और इथाइलीन डाइएमीन, ठीक है बच्चों, इथाइलीन डाइएमीन, है ना। लेकिन आपको बच्चों यहाँ पे एक बात हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे अगर आपने ऐसा लिख दिया कि ट्राई इथाइलीन डाइएमीन तो यहाँ पे फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक जैसी दो चीजें हो गई हैं, यहाँ पे ट्राई भी है और यहाँ पे डाई भी है, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर कोई लिगेंड पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड किए हुआ है, यानी कि कोई भी लिगेंड में पहले से ये ऐसे जो वर्ड्स हमने बताए थे संख्या वाले पहले से लगे हुए हैं बच्चों, तब हम दोबारा वैसे ही वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं उनके नाम उनकी संख्या को बताने के लिए। तो आप कहोगे सर जी कैसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो चलिए फिर बात करते हैं। यानी कि अगर किसी लिगेंड में पहले से लगा हुआ है डाई, पहले से लगा हुआ है ट्राई,
पहले से लगा हुआ है, टेट्रा, ऐसे बहुत सारे लिगेंड आपको दिखाई देंगे जिसमें पहले से नाम लिखा रहता है, यानी कि नाम में पहले से ही डाइट्रा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, पेंटा, हेक्सा ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले से अगर ऐसे वर्ड्स लगे हुए हैं तो अब दोबारा से इनकी संख्या को बताने के लिए हम कौन से वर्ड्स का प्रयोग करेंगे? तो बच्चे उसके लिए हम लोग वर्ड प्रयोग करते हैं बिस, ट्रिस, ठीक है, टेट्राकिस, ठीक है, कुछ और ना समझिएगा, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ठीक है। तो इस तरह से ये इन वर्ड्स का प्रयोग हम लोग दोबारा संख्या को बताने के लिए करते हैं। तो अब बताइए बच्चों कौन सा वर्ड लगा दें, तीन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा बच्चों, और इसलिए इसको इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, तो हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाई एनीन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो भाई स्क्वायर ब्रैकेट वाले का पूरा पहले नाम लिखना है ना, तो लिगेंड का नाम तो लिख दिए, अब दूसरा कोई लिगेंड है नहीं तो लिगेंड के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। अब जो हमारा सेंट्रल एटम या आयन जो भी है बचा है वो है क्रोमियम, तो अब इसका नाम लिखेंगे। तो बताइए बच्चों क्या इसको क्रोमेट कर दें, क्रोमेट कर दें? नहीं बच्चों, क्रोमेट नहीं करेंगे। फिर से देखिए क्यों क्रोमेट नहीं करेंगे, यानी कि एट वर्ड क्यों नहीं जोड़ेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। इसको कर देते हैं क्रोमेट, क्रोमेट कर दे, नहीं बच्चों क्रोमेट नहीं करना है, क्रोमियम होगा। और क्रोमेट क्यों नहीं करना है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमेट क्यों नहीं करना है बताइए जरा। तो देखिए जी बिल्कुल, ये एनायनिक होने के कारण, यानी कि एनायनिक होगा तब ये एट वर्ड जुड़ेगा, लेकिन ये है कैसा, तो भाई जब दो पार्ट में हमने तोड़ा तो देखा हमने ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड यानी केटायन, तो ये केटायनिक है बच्चों, केटायनिक है ये, तो इसीलिए इसमें क्रोमेट यानी कि एट वर्ड नहीं जुड़ेगा, ये हो जाएगा क्रोमियम। और इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा बच्चों, निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए निकालते हैं, तो निकालेंगे कैसे, तो क्रोमियम के लिए क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमने क्या करना है, ईएन यानी कि जो भी लिगेंड है उसका ऑक्सीजन स्टेट लिखना है, तो इसका सॉरी इसका आवेश लिखना है, तो आवेश कितना होता है, ईएन पे चार्ज कितना होता है, तो बच्चों ईएन भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, ईएन कैसा लिगेंड है बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसे, तो देखिए यानी कि ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, हमने पहले बताया था ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आप नाम से कैसे याद रख सकते हैं इसको समझिए, देखिए ईएन जो है ये क्या, इथाइलिन डायएनीन, और देखिए एनीन के बारे में आप जानते हो कि ये न्यूट्रल है, तो भाई दो एमीन हो जाएगा तो क्या ये आवेशित हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, दो एमीन हो, चार एमीन हो, दस एमीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एमीन अगर न्यूट्रल है तो दो हो दस हो सब न्यूट्रल ही रहेंगे, और इथाइलिन भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है बच्चों। तो इस तरह से पूरा जो है कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया यानी कि उदासीन हो गया, और उदासीन के लिए आवेश कितना बच्चों, जीरो, और इसकी संख्या कितनी है, तीन, तो गुने तीन बराबर, तो बराबर में क्या लिख दे बच्चों, आवेश बराबर जीरो, यहाँ पे जीरो लिख दे, नहीं बच्चों जीरो नहीं लिखना है, ध्यान रखिए हमने बताया था यहाँ पे जीरो इसलिए लिए थे क्योंकि कुछ भी नहीं था, इसके ऊपर आवेश भी नहीं था, ना ही लेफ्ट इसके राइट साइड में कुछ था, इसके राइट साइड में कुछ नहीं था, और ना ही इसके ऊपर कोई आवेश था, लेकिन इसमें है, तो जब हमने तोड़ा तो देखिए यहाँ पे केटायन है, तो भाई न्यूट्रल होगा तब ना यहाँ पे जीरो, लेकिन केटायन तो मतलब कुछ ना कुछ इसके ऊपर आवेश है, वो भी किसका, प्लस का, तो कितना वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, तो देखिए वो कैसे पता करेंगे, तो हमने बताया था आपको कि ये सीएल देख रहे हो आप लोग, तो सीएल के ऊपर कितना होता है आवेश, माइनस का एक, और टोटल कितने सीएल है, तीन, तो टोटल इधर जो है एनायन वाले पार्ट में टोटल कितने माइनस है, तो माइनस का तीन है, तो भाई केटायन वाले पार्ट में उतना ही होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का तीन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का तीन, और भाई जब इसको करेंगे तो जीरो ही का जीरो रह जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का थ्री, और इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट हमारा आ जाएगा प्लस का थ्री, जिसे हमें किस में लिखना है, रोमन में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए ये देख रहे हो ना, तो भाई हमने बताया था ये सीएल जो है जब लिगेंड के रूप में होता है तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, क्लोरो होता है, लेकिन अभी ये लिगेंड के रूप में नहीं है,
ये किसके लिगेंड के बाहर है, यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट के बाहर है, तो हमें इसका नाम क्या लेना है, क्लोराइड। तो इसका नाम ले लेंगे क्लोराइड, ठीक है बच्चों। और इस तरह से ये आपके सारे हो गए कंप्लीट। तो बच्चों आपने आज क्या नई नई बातें जानी, यानी कि जब दो लिगेंड मौजूद हो तो हमें अल्फाबेटिकल उसको अरेंज करना है, एक ये नई बात जाने। और दूसरी नई बात हम लोग आज जाने कि ईएन जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, इथाइलीन डायमीन, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये दो नई बातों के साथ हम लोग जो है आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम देते रहेंगे, ठीक है, बीच बीच में, ताकि आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते रहें और देखते रहें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, हम आपके उस समस्या का जो है जो भी समाधान होगा करेंगे, ठीक है बच्चों। और आगे नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग लास्ट में। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं समन्वय समानता की। इससे पहले हम लोगों ने तीन तरह की समानता पढ़ ली है, कौन कौन सी समानता, तो बच्चों आयनर समानता हम लोगों ने पढ़ ली है, दूसरा हम लोगों ने हाइड्रेट समानता पढ़ी थी, और तीसरा बंधन समानता पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और ये हम लोग का चौथा है समन्वय समाव्यवता, ठीक है। क्या होता है देखिए, जब किसी उपसा संयोजन यौगिक में, ठीक है, धनायन और ऋणायन, हमें इन दो बातों पे ही ध्यान रखना है कि बात किसकी हो रही है, धनायन और ऋणायन, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कोई भी उपसा संयोजन यौगिक होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है, केटायन और एनायन, तो उसी की बात हो रही, तो यहाँ पे बात हो रही है केटायन की और यहाँ पे बात हो रही है एनायन की। तो इन्हीं दो बातों पे ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों कैसे हो, जटिल हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स हो। तो कॉम्प्लेक्स हम कब कहते हैं, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स उस पार्ट को कहते हैं जिस पार्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और जिस पार्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो दोनों के दोनों पार्ट ही हमारे कैसे हो, स्क्वायर ब्रैकेट वाले हो, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एग्जांपल की ओर आइए, यहाँ पर देखिए ये दोनों पार्ट, यानी कि इसमें ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है बच्चों, ये दोनों मिला करके एक अकेले कंपाउंड है, ध्यान दीजिए बच्चे, दोनों मिला करके एक अकेले कंपाउंड है, यानी कि ये एक ही कंपाउंड है, और इसमें ये वाला पार्ट इसका केटायन है और ये वाला पार्ट इसका एनायन है। तो जब केटायन और एनायन दोनों के दोनों ही कैसे हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें ही हम कहाँ रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जब ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तभी क्या है कि इन्हें हम क्या कहेंगे, मतलब इनके द्वारा प्रदर्शित होने वाली समाव्यवता को हम क्या कहेंगे, समन्वय समाव्यवता, या इसको हम उप सह संयोजन समाव्यवता भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, देखें कि ये और ये दोनों क्या हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की जाए तो वो दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि इसमें भी एक सी ओ, तो इसमें भी एक सी ओ, इसमें भी एक सी आर, इसमें भी एक सी आर, इसमें तीन ई एन, इसमें भी तीन ई एन, और इसमें छः सी एन, तो इसमें भी छः सी एन, तो देख लेना बच्चों। लेकिन अंतर किस बात का, यहाँ पे सी ओ के साथ ई एन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सी आर के साथ ई एन जुड़ा हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया बच्चों। तो यानी कि ये जो है समाव्यवता प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी, तो समन्वय समाव्यवता, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये समन्वय समाव्यवता आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं समन्वय समाव्यवता तक, अगले क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए धन्यवाद।